बीजेपी हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पर राजनीतिक रोटी सेकना बंद करे, विधायक अजीत शर्मा ने कहा। बाबरपुर विधायक सह बिहार विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा आज कुछ नए तेवर में ही दिखे। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के यह पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों को धर्म और संप्रदाय को लेकर लड़ाने का काम करती है, लोगों को लड़ाने का काम करती है। और गया स्थित विश्व पद मंदिर में बिहार सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी के प्रवेश पर मचे बवाल कर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम सभी भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक जिस भी धर्म के प्रति आस्था रखते हैं वह मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा कहीं भी जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पर राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप लगाते हुए भाजपा से बेरोजगारी, महंगाई और केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे निजीकरण पर चर्चा किए जाने की बात कही है। गैर हिंदू प्रवेश में से बिहार सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर इसराइल मंसूरी कल मुख्यमंत्री के साथ वहां गए थे। आए तो बचाओ, ये कौन बोला कि कहीं नहीं जा सकता? क्या हिंदुस्तान को आप तोड़ने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता है? क्या है, आपके शहनवाज जी यहाँ पे हमारे सांसद रहे हैं, उद्योग मंत्री थे, क्या बूढ़ानाथ मंदिर में नहीं जाते हैं पूजा करने? जाते हैं, ये तो संस्कार है हिंदुस्तान का। हम तो मस्जिद भी जाते हैं, वो हिंदू वो मुस्लिम है वो मंदिर भी जाते हैं। इसमें ये हंगामा क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में रोजगार देने की बात की थी 2 करोड़ युवकों को, वो तो रोजगार दे नहीं पाई। 8 वर्षों में 16 करोड़ युवकों को रोजगार मिलना चाहिए, एक भी युवक बता दे कि नौकरी मिली है? आपकी महंगाई जिस समय यूपीए की सरकार थी उस समय स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर लेके घूमती थी जब 450 रुपये कीमत था, क्या बात हुआ था? और आज क्या 1150 रुपये कीमत है चावल दाल सबका? देखिए GST जो लगाया है, आप धनाढ्य लोग जो खरीदेंगे तो उस पर GST नहीं लगेगी, लेकिन अगर जो 25 किलो के नीचे 2 किलो दूध आप पैकेट फूड खरीद लो उस पर GST देना पड़ता है। एक तो नौकरी नहीं मिल रही है, गरीबी चरम सीमा पर है, और बिहार ऐसे गरीब राज्य में आप विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिए, और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान को तोड़ के राजनीति करना चाहती है। आप हमेशा देखे होंगे मंदिर का मुद्दा उठाया गया, हिंदुओं को बरगलाया गया, लेकिन आपको बता दिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन सब इस भारतवर्ष के देश के नागरिक है, कहीं भी जाते हैं अगर आस्था है उनको किसी पर तो जाने में कोई रोक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती और यही सब हिंदू मुसलमान को बांट के वोट लेती है। लेकिन आपको बता दें इस बार जो 2024 का चुनाव होगा सभी युवक हिंदू लोग भी समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मंदिरों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर, हिंदू मुसलमानों के नाम पर वोट लेने की राजनीति करती है। इस बार उसको वोट नहीं देगी क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और आपको बता दें महंगाई देखिए कितनी अधिक है। इसलिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जनता उखाड़ फेंकेगी और कांग्रेस गठबंधन को सरकार बनाने का काम करेगी। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट।